के आला तरीन शहदा है, हालांकि उन्होंने फतह मक्का नहीं देखा, वो मक्का की फतह को नहीं देख सके। इकबाल ने जिसको बहुत खूबसूरत डिफाइन किया कि बरतर संदेशे सूदो से आए जिंदगी है, कभी जान और कभी तसली में जा है जिंदगी। जिंदगी की हकीकत प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में नहीं है। जिंदगी इसको नहीं कहते कि तुमने अपना मकसद हासिल किया या हासिल नहीं कर सके, या दुनिया में तुम्हें हुकूमत मिली या हुकूमत नहीं मिली। जिंदगी की हकीकत यह है कि कभी तुम्हें जिंदा रखना पड़ता है, कहीं तुम्हें अपनी जान कुर्बान करनी पड़ती है। तुम्हारा नसीहत, तुम्हारा मसलक, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा बिलीफ, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा इश्क, ये है मैं। अल्लामा इकबाल जिस इमाम बरहक की, जिस लीडर की, जिस बंदे फकीर की, मोमिन की, वली की और मुसलमान सुल्तान की डेफिनेशन देते, तशरीह बताते हैं कि जो आने वाले वक्तों में कौम को बेदार करेगा, उसकी सिर्फ भी वो यही बताते हैं। तूने पूछी है मुझसे इमामत की हकीकत, मुझसे खुदा तुझको मेरी तरह साहिब इसरार करे। वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त, जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। ये कभी नहीं हुआ कि किसी कौम ने अरूज हासिल किया that can't